स्वास्थ्य। भारत में इन 8 दवाओं से ठीक हुए 1,00,000 से अधिक मरीज। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज जारी है, लेकिन अब तक कोई सटीक दवा नहीं बन सकी। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की भी अच्छी तादाद है। भारत में 1,30,000 के करीब कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का किन दवाओं और थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। ये एक ऐसा एंटीवायरल दवा है जिसे सबसे पहले 2014 में इबोला के इलाज में इस्तेमाल किया गया था। WHO के ट्रायल में इस दवा को COVID-19 के कारगर इलाजों में से एक माना गया है। यह शरीर में वायरस रेप्लिकेशन को रोकता है। पिछले महीने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने शुरुआती ट्रायल के आधार पर बताया था कि रेमडेसिविर देने वाले कोरोना के मरीजों में 11 से 15 दिनों तक में सुधार हुआ है।